नमस्कार, हिमाचल प्रदेश आज की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरें आप सभी के साथ विस्तार पूर्वक साझा करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम बात करेंगे हम स्कूलों पर, तो हिमाचल प्रदेश में नॉन बोर्ड परीक्षाओं संबंधित शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। पहली, दूसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं के लिए जो है ये शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी को जो है वो स्कूलों संबंधित जो खुलने के आदेश हैं वो जारी कर दिए जाएंगे, चाहे छोटे बच्चों के लिए चाहे बड़े बच्चों के लिए हो, वो यहाँ पर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भर्तियों संबंधित जो है बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी PWD में जो है जो 5000 पदों पर मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती होनी है, उससे संबंधित जो है सभी तरह की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब इस पर अंतिम मोहर जो है वो कैबिनेट में ली जाएगी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें 8000 पदों पर जो शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती है, उस प्रक्रिया को भी जो यहाँ पर पूरा कर लिया गया है, ऐसा कुछ अपडेट आई है। और उस पर अंतिम निर्णय जो है वो कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाएगा। जो कुछ यहाँ पे संशोधन होने थे, चाहे वो अंकों संबंधित संशोधन थे, चाहे वो कमेटियाँ बनाने संबंधित संशोधन थे, वो सब कुछ यहाँ पर कर लिए गए हैं। अब इस पर अंतिम फैसला जो है 14 फरवरी को लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो 13000 पद यहाँ पर रहने वाले हैं इन दोनों डिपार्टमेंट में, PWD और शिक्षा विभाग में। इसके अलावा IPS में भी कुछ एक पोस्ट जो है यहाँ पर भरी जाएंगी, उससे संबंधित ऐलान भी पे किया जाएगा कैबिनेट की बैठक में। और वहीं जो NTT है, नर्सरी ट्रेनिंग टीचर्स, उनके संबंधित जो यहां पर 4700 पदों को भरना है, उससे संबंधित बड़ा यहां पर फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं संबंधित जो कोटा है वो दिया जाए या नहीं दिया जाए, या फिर क्या कुछ यहां पर प्रावधान किए जाए, आउटसोर्स से संबंधित क्या कुछ यहां पर भर्तियां की जाए, उन सभी जो बिंदु हैं उन पर चर्चा की जाएगी और अंतिम फैसला जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हिमाचल प्रदेश में भर्तियों संबंधित रहा है। इसके अलावा और अन्य पदों पर भी जो यहां पर बड़ी जो भर्तियां होनी उससे संबंधित हमें अपडेट मिल रही है, उसकी अपडेट हम आपको बाद में देंगे क्योंकि उस पर अभी हम आधिकारिक जो है अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।